हेलो स्टूडेंट, आज के इस लेक्चर में मैं आपको द सन राइजिंग पढ़ाऊंगा, जिसको एक बड़े फेमस पोएट, मेटाफिजिकल पोएट जिसको आप कहते हैं, जॉन डन, उसने इसको लिखा था। और ये जॉन डन की काफी फेमस पोएम है द सन राइजिंग, जिसको 1633 में पब्लिश करवाया गया था। यहाँ पे सन के स्पेलिंग आपको डिफरेंट नजर आ रहे होंगे। उस दौर के अंदर स्टूडेंट सन के स्पेलिंग ऐसे ही लिखे जाते थे। द सन राइजिंग का मतलब यहाँ पे ये है कि सूरज का निकलना या सूरज का उगना आप कह सकते हैं। तो इस पोएम के अंदर जो है वो जॉन डन ने सन राइजिंग यानी सूरज की तारीफ नहीं की, बल्कि उसको डिफरेंट तरीकों से जो है वो उसने अब कह सकते हैं बुरा भला कहा है, या डिफरेंट कमेंट जो है वो सूरज के बारे में यहाँ पर उसने शो किए हैं, जो आज आपको मैं जो लाइन बाय लाइन जो है वो यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आपको इसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ कि इसमें वो क्या कहने की उसने कोशिश की है या उसने कौन सी बातें यहाँ पे की है। तो बेसिकली जॉन डन जो इसकी जो लवर है वो बेसिकली कमरे के अंदर है, और सूरज की किरणें जो हैं वो सुबह आके उनके कमरे में पड़ती हैं। तो इसी बिना पर जो जॉन डन है वो डिफरेंट कमेंट जो है वो इस पोएम के अंदर लिखता है और हमें बताता है कि सूरज से कहता है कि क्यों हमें जो है ना वो आप डेली बेस के ऊपर जो रोज रोज है वो हमें तंग करने आ जाते हो। सूरज का काम जो है वो इस तरह आके तंग करना नहीं होता, बल्कि सूरज का काम ये है कि उन लोगों को जाके जगाना होता है जिन्होंने सूरज निकलने से पहले किसी काम पर जाना हो या किसी काम पे लगना हो, तो सूरज का काम जो है वो ये होता है। तो इस तरह की जो चीजें हैं वो इस पोएम के अंदर बयान की गई हैं। तो अब हम जो है वो इसको लाइन बाय लाइन डिस्कस करते हमारी जो फर्स्ट लाइन है उसमें वो कहता है कि बिजी ओल्ड फूल, यानी बिजी ओल्ड फूल अनड्यूली सन। तो यहाँ पे बिजी ओल्ड फूल यानी सूरज को उसने बुरा भला कहा गया है कि सूरज से वो कहता है कि तुम फसादी हो, बूढ़े हो, अहमक हो। बिजी ओल्ड फूल का मतलब कि बूढ़े अहमक, इसका मतलब है बिजी ओल्ड फूल का मतलब सूर्य से कह रहा है कि तुम बूढ़े हो, अहमक हो, अनड्यूली सन हो, ठीक है, यानी अदमबाज सूरज हो, यानी ऐसा सूरज जो किसी के काम में मुदाखलत करता है उसको हम कहते हैं, ठीक है, यानी बिजी इंटरफेयर करना किसी चीज के बारे में, किसी काम के अंदर इंटरफेयर करना उसको हम कहते हैं बिजी ओल्ड फूल अनड्यूली सन, यानी ओ फसादी या अदमबाज सूरज। दूसरी लाइन के अंदर वो कहता है कि व्हाई डस दाउ दस, कि तुम क्यों जो है वो ऐसा करते हो, क्यों तुम क्यों जो है वो तंग करते हो, तुम क्यों ऐसा करते हो। थ्रू विंडोज एंड थ्रू कर्टन्स, थ्रू विंडो एंड थ्रू कर्टन्स का मतलब ये होता है खिड़कियों से पर्दों से, ठीक है। कॉल ऑन अस, क्यों हमें बुलाते हो, क्यों हमें तंग करते हो, यानी वो कहता है कि खिड़कियों और पर्दों से इस तरह जानकर हमें तंग क्यों करते हो, डेली हमें क्यों तंग करने आ जाते हो। नेक्स्ट लाइन में वो कहता है कि मस्ट टू दाई इमोशंस लावर सीजंस रन। अब इस लाइन के अंदर वो क्या कहता है, अब जॉन डन यहाँ पे कहता है कि जो आशिक होते हैं, जो प्यार करने वाले होते हैं, वो तुम्हारी जो गर्दिश है, यानी तुम सुबह निकलते हो शाम को गुरूब हो जाते हो, यानी वो तुम्हारी गर्दिश के ताबे नहीं होते, यानी जो आशिक होते हैं उनका कोई भी जो है वो सीजन नहीं होता, उनका कोई मौसम नहीं होता। उसके बाद वो कहते हैं सौसी पेडेंटिक रेच और गो शायद लेट स्कूल बॉयज एंड सोर प्रेंटिसेस। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, सौसी का मतलब यहाँ पे वो सूरज को बुला भला कह रहा है, गुस्ताख कह रहा है, पेडेंटिक कह रहा है, ठीक है, यानी घुमंडी कह रहा है, रेच कह रहा है, बदबख्त कह रहा है। वो कहते हैं कि गो शायद लेट स्कूल बॉयज, कि जाओ उनको परेशान को, शायद का मतलब होता है परेशान करना, बौद्ध करना किसी चीज को, कि लेट स्कूल बॉयज, उन बच्चों को तंग करो जो स्कूल से लेट हो रहे हैं, जिन्होंने स्कूल पहुंचना है। एंड सावर प्रेंटिसेस, ठीक है, और सावर प्रेंटिसेस का मतलब ये होता है कि वो कारीगर, वो चिड़चिड़े कारीगर जिन्होंने सूरज निकलने से पहले काम पर जाना होता है, वो सूरज से कह रहा है कि जाओ उनको जाके तंग करो, उनको जगाओ जाके। उसके बाद वो कहता है गो टेल गोड हंट्समैन दैट किंग विल राइड, कि जाओ दरबार में जाओ, यानी इसके कहने का मतलब ये है कि उन शिकारियों को बता दो जाके कि बादशाह जो है ना
वो जल्द ही शिकार पर जाएगा, यानी गो टेल कोर्ट हंट्स मैन दैट द किंग विल राइड, कि उन शिकारियों को बता दो जाके कि बादशाह ने जल्द ही शिकार पर जाना है। कॉल कंट्री आंट्स टू हार्वेस्ट ऑफिसेस, कॉल कंट्री आंट्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि वो देहाती इलाके, उनकी जो आंट्स होती हैं, चींटियां होती हैं, उनको यहाँ पे क्या है कंट्री आंट्स, कि जो देहाती इलाकों की चींटियां होती हैं, कि उनको जाके मैसेज दे दो, उनको जाके पैगाम दे दो, उनको बता दो जाके टू हार्वेस्ट ऑफिसेस। ऑफिसेस से मुराद यहाँ पर आप खेत कह सकते हैं, फसलें कह सकते हैं, जहां से अनाज हासिल होता है, कि उन चींटियों से जाकर कह दो कि फसलों में से जो अनाज है वो वक्त पर लाकर जखीरा कर लें, यानी अपना जखीरा जो है वो भर लें। उसके बाद वो कहता है कि लव ऑल अलाइक, नो सीजन्स नोज नॉर क्लाइम। उसके बाद कहता है कि तुम्हें ये मालूम होना चाहिए, किस चीज के बारे में मालूम होना चाहिए, कि जो लव मीन जो मोहब्बत करने वाले लोग होते हैं, जो आशिक होते हैं, वो उनके कोई औकात का यानी नहीं होते, उनका कोई सीजन नहीं होता, ठीक है, उनकी कोई क्लाइम नहीं होती, यानी उनकी कोई आबोहवा नहीं होती, उनका कोई मौसम नहीं होता, नॉर आवर्स यानी उनका कोई टाइम नहीं होता, उनके कोई घंटे नहीं होते, ठीक है, उनके कोई दिन नहीं होते, उनके कोई मंथ नहीं होते, विच आर द रैग्स ऑफ टाइम, ठीक है, यानी जो के वक्त के टुकड़े होते हैं, जो इसको महीनों में, लम्हों में, मिनटों में, घंटों में कन्वर्ट किया गया है इस दुनिया के अंदर, यानी वो उनको किसी भी चीज की जो है वो पाबंदी नहीं होती, ठीक है। तो ये फर्स्ट स्टैंजा था, आई होप कि आपको इसकी समझ आई होगी। तो चलते हैं हम अगले स्टैंजे की तरफ। नेक्स्ट स्टैंजा में वो कहता है कि दाई बीम्स सो रिवेंट एंड स्ट्रॉन्ग। अब यहां पे वो क्या कहता है, सेकंड स्टैंडर्ड की जो पहली लाइन है उसमें वो कहता है कि दाई बीम्स की जो तुम्हारी किरणें हैं, तुम्हारी जो श्वाएं हैं, सो रिवेंट, और तुम्हारी जो श्वाएं हैं वो क्या है, वो मुअज्ज़िज़ हैं, ठीक है, एंड स्ट्रॉन्ग, और स्ट्रॉन्ग है, ताकतवर है। अब सूर्य से कह रहा है कि तुम्हारी जो श्वाएं हैं वो मुअज्ज़िज़ हैं, ताकतवर हैं। व्हाई शुड दाउ थिंक, व्हाई शुड दाउ थिंक, तो तुम ये क्यों समझते हो, ठीक है, अब सूर्य से वो कह रहा है कि तुम ये क्यों समझते हो, आई कुड एक्लिप्स एंड आई कुड देम विद अ विंक। अब यहां पे वो क्या कह रहा है, वो कहता है कि अगर मैं अपनी आंख को एक बार चपक करूं यानी झुकाऊं, तो तुम्हारी जो रोशनी है उसको मैं क्या कर सकता हूं, एक्लिप्स कर सकता हूं, यानी उसको धुंधला कर सकता हूं, ठीक है, एक्लिप्स से मुराद होता है गायब करना, धुंधला कर देना, नजर ना आना, ठीक है, विद आ विंक, यानी आंख का जो झपकना होता है उसको हम विंक कहते हैं, कि अगर मैं अपनी आंख को एक बार झपकूं तो तुम्हारी जो रोशनी है उसको मैं एक्लिप्स कर सकता हूं, धुंधला कर सकता हूं। नेक्स्ट वो कहता है कि बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग, लेकिन वो कहता है कि मैं ऐसा नहीं चाहता, क्योंकि मैं हरगिज ऐसा नहीं चाहता कि मैं किसी भी लम्हे के लिए अपनी आंखें बंद करूं और मेरी जो महबूबा है उसका नजारा जो है वो मैं खो दूं, यानी जो उसके नजारे से मैं महरूम हो जाऊं, यानी मैं नहीं चाहता कि मैं एक बार भी अपनी आंख को झपकूं और अपनी जो महबूबा का नजारा है उससे महरूम हो जाऊं। बट दैट आई वुड नॉट लूज हर साइट सो लॉन्ग ज्यादा देर तक। If her eyes have not blinded thine, अब यहां पे वो क्या कहता है, यहां कहता है कि अगर मेरी जो महबूबा है उसकी आंखों की चमक ने तुम्हारी जो चमक है उसको खत्म कर दिया, इफ हर आईज हैव नॉट ब्लाइंडेड थाइन, यानी मेरी महबूबा की आंखों ने अगर तुम्हारी आंखों की चमक को जो है वो धुंधला कर दिया, लुक एंड टुमारो लेट टेल मी, फिर क्या कहता है कि तुम निकल जाओ, ठीक है, टुमारो लेट यानी तुम किसी दौरे पर निकल जाओ, और टेल मी और मुझे तुम बताना, यानी वो कहता है कि अब तुम किसी जगह दुनिया के अंदर निकल जाओ और मुझे आकर बताना कि वेदर बोथ इंडियंस ऑफ स्पाइस एंड माइन, कि इंडिया के दोनों हिस्सों के जहां पर स्पाइस का मतलब मसाले वगैरह होते हैं और माइन का मतलब जो मदनी काने होती हैं, कि उनसे हासिल होने वाली जितनी भी दौलत है, यानी वो सूर्य को इशारा कर रहा है
कि वो इंडिया की तरफ चला जाए और स्पाइस और माइन से हासिल होने वाली जितनी भी दौलत है, बी वेयर दो लैब्स देम आर लाई हियर विद मी, कि वो यहाँ पे बताना चाह रहा है कि जितनी भी वहां से हासिल होने वाली दौलत है, जहां तुमने देखी थी वो मेरे पास पड़ी है। वो कहता है कि तुम वहां पर निकल जाओ, वहां पर जितनी भी दौलत है, जितनी भी चीजें हैं जो तुम देख कर आओगे और तुम कल देखोगे जब मेरे पास आओगे, तो वो सारा कुछ मेरे पास होगा। यानी वो अपनी महबूबा की आड़ में इतना ज्यादा जो है वो प्राउड फील कर रहा है कि उसके पास ही जो है वो सारा कुछ है। नेक्स्ट लाइन में वो कहते हैं कि आस फॉर दोज किंग्स होम दो सास्ट यस्टरडे। अब यहाँ पे वो क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं कि जब उन बादशाहों से के पास, यानी दोज किंग्स, वो बादशाह जिनसे तुम कल मिले थे, दोज फेस्ट यस्टरडे जिनसे तुम कल मिले थे, एंड दो शेल्ड हेयर ऑल हेयर इन वन बेड ले। ठीक है, वो कहता है कि तुम उन बादशाहों से होकर भी आ जाओगे और तुम देखोगे कि ऑल हेयर इन वन बेड ले, कि तमाम तरह जो चीजें हैं वो हमारे बिस्तर पर पड़ी हुई है। यानी वो कहता है तुम सारी दुनिया का चक्कर लगा रहो, उन बादशाहों से हो, मिल रहो, उनके पास जितनी भी दौलत है, शान और शौकत है, सारा कुछ जो है, और दोबारा जब तुम मेरे पास आओगे तो तुम देखोगे कि ये सारा कुछ जो है वो मेरे पास ऑलरेडी पड़ा हुआ है, मेरे बिस्तर के ऊपर, मेरे कमरे में। ठीक है, यानी मेरे कमरे के अंदर जो बिस्तर है उसके अंदर तमाम कुछ पड़ा हुआ है। तीसरे स्टैंडर्ड में जो है वो हम डिस्कस करेंगे, उसके अंदर वो कहता है कि शी इज ऑल स्टेट्स। शी इज ऑल स्टेट्स का मतलब ये है कि जो मेरी महबूबा है वो, उसकी जो कद्र वो कीमत है वो तमाम रियासतों जितनी है। ठीक है, यानी मेरी महबूबा की जो कदर है दुनिया की तमाम रियासतों जितनी है। एंड ऑल प्रिंसेस आई, और मैं जो हूँ उन रियासतों का क्या हूँ, हिक्मरान हूँ, प्रिंसेस हूँ। नथिंग एल्स इज, इसके अलावा दुनिया की कोई और पहचान नहीं है। प्रिंसेस डू बट प्ले अस, वो कहते हैं कि दुनिया के जितने भी हिक्मरान हैं वो दरअसल हमारा ही किरदार जो है वो अदा कर रहे हैं। कंपेयर टू दिस, अगर उनका इसके साथ मुवाजना किया जाए, ऑल ऑनर मिमिक ऑल वेल्थ एल्केमी, तो ये अंदाजा किया जा सकेगा कि दुनिया की जो तमाम दौलत है वो हमारे प्यार के सामने ऐसी है, ऑल ऑनर मिमिक। ठीक है, यानी मिमिक का मतलब होता है इमिटेशन करना, यानी किसी चीज को नकल करना आप कह सकते हैं, या किसी चीज को किसी चीज में तब्दील करना आप कह सकते हैं। ऑल वेल्थ अल्केमी, वेल्थ से मुराद दौलत और अल्केमी से मुराद जो आप दात कह सकते हैं कि दुनिया की जो तमाम तर जो दौलत है वो हमारे प्यार के सामने ऐसी है, या हसीयत दुनिया की जो है वो हमारे प्यार के सामने ऐसी है कि जैसे किसी घटिया दात जो है उसको किसी कीमती दात में या सोने में तब्दील किया है। दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी। आगे वो सूर्य से वो क्या कह रहे हैं कि ए सूरज, जितने खुश मैं और मेरी महबूबा है। दाओ सन आर्ट हाफ एज हैप्पी एज वी, कि जितने खुश मैं और मेरी महबूबा है, यानी जितने खुश हम हैं, तुम उससे आधे भी खुश नहीं हो। आर्ट हाफ एज का मतलब कि तुम उससे आधे भी नहीं हो। इन दैट द वर्ड्स कॉन्ट्रैक्टेड दस। अब यहाँ पे वो क्या कहते हैं, यहाँ पे वो ये कहता है कि क्योंकि पूरी दुनिया जो है वो हमारा जो रूम है, हमारा जो कमरा है, उसके अंदर सिमट आई है। कॉन्ट्रैक्टेड मीन जो है वो उसके अंदर समा आ गई है, सिमट आई है। थाइन एज आस इज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड। कहते हैं कि दुनिया को गर्म करना, टू वार्म द वर्ल्ड। थाइन एज आस्क इज, कि अब तुम जो है वो बूढ़े हो गए, तुम्हारी उम्र अब आसान जो काम होते हैं उसका तकाजा करती है, और तुम्हारी जो ड्यूटी है वो दुनिया को गर्म करना है। इसलिए वो क्या कहते हैं कि, तो आपको इस लाइन की समझ आ गई होगी कि थाइन एज आस्क इज एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, कि
तुम्हें अब आसान काम करना चाहिए। थाइन एज आस्क इज कि तुम्हें आसान काम करना चाहिए। एंड सिंस दाई ड्यूटीज बी टू वार्म द वर्ल्ड, तुम्हारा काम है कि दुनिया को गर्म करना। दैट्स डन इन वार्मिंग अस, दैट्स डन इन वार्मिंग अस। तो इसका मतलब ये है कि तुम्हें अब हमारे ऊपर ही रहना चाहिए। दैट जन इन वार्मिंग आस के, अगर तुम हमारे ऊपर रहोगे, ठीक है, क्योंकि तुम्हारा काम दुनिया को गर्म करना है, क्योंकि हमारा कमरा बजाय खुद एक मुकम्मल दुनिया है, ठीक है। अगर तुम हमारे ऊपर ही रहोगे तो तुम्हारा काम पूरा हो जाएगा। नेक्स्ट वो क्या कहते हैं, शाइन हियर टू अस एंड दाउ आर्ट एवरी वेयर, कि अगर तुम खुद को हमारे ऊपर चमकने तक महदूद कर लो तो ऐसे होगा जैसे पूरी दुनिया पर तुम चमक रहे हो। सूरज से वो कह रहा है कि शाइन हेयर टू अस, कि अगर तुम सिर्फ अपने आप को हमारे ऊपर ही महदूद कर लो, एंड दो आर्ट एवरीवेयर, तो ऐसा लगेगा कि तुम हर तरफ चमक रहे हो। दिस बेड दाई सेंटर इज, तो इस तरह हमारा ये जो बिस्तर है तुम्हारी गर्दिश का मरकज बन जाएगा। और दीज वॉल्स दाई स्पेयर, और कमरे की जो दीवारें हैं वो तुम्हारा मदार होंगी। तो ये इस स्टैंजा के अंदर जो है वो जॉन डन ने कहने की कोशिश की है। तो आई होप कि आपको ये पोएम जो है वो समझ में आ गई होगी।